Hey, good morning everyone. Welcome back with the new vlog. सवेर हो चुका है, मजा आ रहा है पूरा। राजा बाबू कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, कम कम कम, डैडा के पास आ जा। प्यार कर दे। ये क्या है? डंडे हैं, डंडे। डंडा बोलो, डंडा। ये कह रहा है ये जी डंडा। तो हमारे चैम्बर में शायद कुछ स्टक हो गया है बारिश की वजह से, तो आज पाइप लगा के उनको खोल रहे हैं। मतलब ये खोलते ना चाहिए कुछ कुछ टाइम बाद। वैसे शायद तो पानी तो ठीक जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि क्लीन रहे। बारिश की वजह से इनमें कुछ स्टक हो जाता है, कुछ कूड़ा वगैरह आके। मम्मा को चुप कराओ, मम्मा को चुप कराओ। देखियो कितने प्यार से चुप करा रहा है मम्मा को अपनी। इसने ना इसने गेम पकड़ा है। इसके अकाउंट में फर्स्ट वीडियो इसकी है, सेकंड वीडियो आपकी और इसकी है, थर्ड मेरी और इसकी है। तो कभी कह रहा ऊंची मतलब आप, कभी कह रहा मम्मा मतलब मैं और ये, कभी अपनी आए हाय मजे। अच्छा अच्छा, लो इसको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही है। कौन सी ओछी? लो जी जी, कितना चला रहा है। कौन है? राजा। मम्मा मम्मा चलाओ। ये क्रेजी फ्रॉग ही तो है, ये भी क्रेजी फ्रॉग है। सो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं। मुझे लग रहा था गाड़ी की सर्विस का टाइम आ चुका है, लेकिन नहीं, अभी जस्ट DEF ऑयल का पंगा रहता है। वो भी चल के थोड़ा सा गाड़ी में काम ऐसे करा लेते हैं। आजा, गुड मॉर्निंग। सो फिलहाल मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ किसी से, एंड ये हमारा बहुत ही पुराना मित्र दुशांत, मेरा भाई, तो जिसने मुझे वो सिखाई थी शुरू में एडिटिंग। एक दो बार हमने ऐसी ही पेल दी सीधी, कहता मैं क्या दुशांत वो घूम नहीं रही, कहता उंगली लगा कैसे घुमाओ भाई। सुनो ना, मैं ना शाम को वीडियो बना के ना इसको ऐसे कैसे भाई के लिए रुक गई, दो वीडियो एडिट कर गई है मेरी दो। फिर एक दिन इसने मुझे सिखाई, फिर मैं रात को फोन कर फिर तो भाभी लगी नहीं वीडियो एडिट पे, एडिट तो 6.5 मिलियन हो गया आज तक नहीं रुकी है। बेसिकली सीन क्या हुआ बताता हूँ, हम लगभग अगर सही तरीके देखा 2-2.5 साल बाद मिले हम सही से। तो दो ढाई साल हो चुके हैं। बेसिकली हमारा ऐसा सीन हो गया था, हम डेली मिलते थे, डेली एंजॉय करना, डेली डोसा खाना याद है? डेली इडली डोसा। किस जगह थी वो? लोधी रोड जाते थे। और दामिनी से भी आप लोग मिले होंगे, दामिनी बहुत रोने वाली वीडियो बनाती है और दबा के रोने वाली वीडियो बनाते है, छका के। मैंने देखा है मतलब एक दो में इतना रोई है भर के, लेकिन जब तक दुशांत नहीं मिला था ऐसे। अब नहीं रोती, रोना बंद करवा दी। अब बनाती हूँ मैं रोना, ले तुम मिले हो। देख मुझे पता था कि अभी दिल से इसकी असलियत निकलने वाली है। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, थोड़ा कॉफी शॉफी पी के आते हैं, खा के आते हैं, कुछ एंजॉय करके आते हैं, एंड दुशांत भाई को थोड़ी सी रुड़की घुमा दूं। हम लोग बाहर जाने लग रहे थे तो ये माँ को कह रहा, माँ उठो उठो मैं भी जाऊंगा। तो माँ ने कहा इसको भी ले जाओ। कहाँ जा रहे हो? बाहर। बोलो डैडा चलो चलो। सो हम लोग आए हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए। निहार राजा के साथ मजाक हो रहा है, जस्ट इसको बबल्स दे रही है खुशी, अब देखना ये बबल्स में कितना खुश है। और बबल्स में बेचारा इतना खुश है क्योंकि बहुत ठंडा है, तो बबल्स हैं ऊपर ऊपर इसके मुंह में जाते हैं वो फूट जाते हैं, और बेचारा फिर भी खुश हो रहा है। कितना सीधा बच्चा है बेचारा, देख कितनी देर तक खाएगा से। और जी अभी राजा गिर गया था क्योंकि ये बहुत शरारते करता है, और इसका दिमाग इधर उधर लगाने के लिए क्योंकि रोते रहते उल्टी लग जाती है, देख सकते इसका लिप्स भी सूज गया है, तो कभी इसको वोमिट आने लग जाए, इसलिए इसका दिल लगाने के लिए हम खेल रहे हैं। और ये सिर्फ अपने पंजों के बल भागता है, जब चलता देखते सात बंद देख रहे इसके चारों तरफ। मैं चलो थोड़ा पूरे दिन से अंदर ही अंदर, अभी कैफे से जस्ट आए थे, तो इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता, बहुत गिरता है। मम्मा को आ करके दिखाओ, मम्मा को आ, कहाँ लगी चोट मैंने बेटे के? नहीं कोई बात नहीं, कोई ए, मम्मा की तरफ मुंह करियो, मम्मा की तरफ मुंह, मम्मा की तरफ देखो। सुराजा ने बैक टू बैक दो बार चोट लगा ली थी, तो सबका मूड एकदम अपसेट सा हो गया था। एक तो उसका लिप्स आप देख सकते हो, यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है अपर लिप के ऊपर और इस वाले कान के ऊपर। मतलब इसके अपर लिप के ऊपर चोट लगी ना, तो मास्क को लेके चली गई हम 1-1.5 घंटे के लिए अंदर। जैसे ही 1.5 घंटे बाद इसको नींद तो आ नहीं रही थी उस टाइम, जैसे मम्मी इसको लेके बाहर आई, हम सब लोग बैठे हुए थे बिल्कुल बढ़िया, सबने इसके ऊपर नजर टिकाई हुई थी, एकदम से क्या होता है कि इसका पैर फिसलता है, उसका ईयर जो है ना, हाँ जी हाँ जी बताओ पैर फिसलता है, ईयर इसका पूरा यहाँ से टेबल के ऊपर लगता है, लिटरली कान निकल गई थी देखते ही हमारी सबकी एकदम। फिर एकदम से मूड अपसेट हो गया। बाबू जा, नहीं बेटा नहीं, उठ जाते बाबू, कितने बज रहे पता?
11:30 चले यार, हम लोगों को निकलना है आज देहरादून, कोज मेरे एंडेवर की सर्विस भी होनी है, बहुत सारे काम है जो आपको देहरादून जाने के बाद ही पता लगेंगे। पापा बेचारे तैयार है सुबह से, मैं तैयार हूँ, खुशी, सिड, यू भी सब तैयार है, लेकिन मैं राहुल भाई को सुबह से फोन कर रहा हूँ, हमारी हैरियर भी जाएगी, एंडेवर भी जाएगी। हमारे घर में हम 8 बंदे हैं, लेकिन गाड़ी चलानी सिर्फ मुझे ही आती है, सारे लूल बटल चूल है। इसने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली, बुद्धि भी इतनी मोटी कर ली जितनी दाढ़ी इसकी, लेकिन गाड़ी इस पे भी नहीं आती। बाबू कर देखो गाड़ी इतने टाइम से है, इसके बाद चलाती है। चलो एक और दिखाता हूँ, ये थारा भाई बंदर, ये थारा भाई जोगिंदर, इस पे पता कैसे आती है, ये कहता है रेस कोई और देगा, स्टीयरिंग कोई और, मैं बैठूंगा सर सीट पे। ब्रेक 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 आप मार रहे हो, ब्रेक मारने आवे मेरे पे, हैंडल को मारना आवे, अब ब्रेक नहीं मारनी, टक्कर मारनी है, मैं मार दूंगा। ओ डोंट बी ओवर स्मार्ट, आज खा रही ना मैं बिना बोले। अब मैं अरुण भाई को गाड़ी सिखाने वाला हूं, अरुण भाई टेंशन खत्म कर देंगे। अरुण भाई को बताओ, जैसे आपको गाड़ी सिखा दी मैंने चलानी, बढ़िया, एक तरफ आपकी मम्मी खड़ी है और एक तरफ आपकी वाइफ खड़ी है, तो सबसे पहले आप क्या मारोगे? एक्सीडेंट करना है क्या? क्या करोगे आप? किसको टक्कर मारोगे? किसी को नहीं, एक को तो मारनी पड़ेगी, जानवर को मार देंगे भाई, ब्रेक मारने होते हैं सबसे पहले। भैया क्यों आदमी को मारेंगे तो जेल चला जाएगा? ब्रेक मारने पड़े पहले, सबसे पहले ब्रेक मारेंगे, मम्मी जान के मारने वाले बैठी राहुल फिलहाल मेरे पास आ चुका है, ये सुबह बेचारा 9 बजे सोया और मैं से गालियां निकाल रहा था, मैं कहा भाई तू क्या हरकत कर रहा है ये, लेकिन भाई ने मेरा साथ दिया और ये 9 बजे आके सोया था और फिर 1 बजे मेरे पास भी आ गया, सो मजा आया। अब हम निकलते हैं, पापा भी रेडी हैं, मैं एक बार राजा को बाय बोल के आ जाता हूँ। ओके बाय माँ है, और क्या नाम लेते हैं, राजा कहाँ है? सो गया, सो रहा है, ठीक है चलो बाय है, मिलते हैं जल्दी, पापा खिला दियो अच्छी तरह। डन, अभी क्या हुआ था कि हम लोग देहरादून जा रहे थे, हमने बबजी से झूठ बोला कि बबजी हम ना लेने आ रहे हैं तुझे, तो वो एकदम सीरियस हो गया, तो मैंने ना कल फोन करा था मम्मी को, तो पीछे मैं बबजीत की बातें सुन रही थी कि वो किसी ट्रेन की टिकट की बात कर रहा है, क्योंकि उसने बोला था कि एनिवर्सरी से पहले मैं आऊंगा और सरप्राइज दूंगा, तो मैंने उसको तुक्का मारा, मैंने कहा तू तो आ जा रहा ना रात को, तेरी ट्रेन की टिकट है, तो वो मम्मी और पे शक करा किसने बता दिया किसने, हमने तुक्का मारा उसने सच मान लिया। अच्छा मुझे ना कहीं ना कहीं जैसे तू चलाने की कोशिश कर रहे, तुझे लगा नहीं कि हम तुक्का मार रहे होंगे, तू तो देख ही रहा है टेवन से। हम उसी जगह वापस आ चुके हैं, वही पुराने पहाड़, वही 2 दिन पहली वाली जगह, वही सेम रोड और वही पेड़, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली, लेकिन उस बार हम किसी और काम से आए थे, इस बार किसी और काम से आए, ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना मामा जी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तब हमारी एक ही गाड़ी गई थी एंडेवर, और आज 2 गाड़ियां जा रही है, हैरियर एंड एंडेवर। तो फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी सर्विस के लिए देके निकल चुके हैं, सो यहाँ पे देखो आप पीछे कैसे खचाखच भरे पड़े हैं हम लोग, एंड आगे पापा राहुल हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं खेलने के लिए, कुछ लास्ट बार पापा के मतलब खुशी के मन में कुछ वो रह गई डाउट्स की पापा को हरा सकती है, तो छमका पूरी करने के लिए आज पापा से फिर से हराएंगे, तो हम कोई ऐसे गेम खेलेंगे जिसमें पापा के जीतने के चांस ज्यादा हो। You take my